नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पर आपको एक से एक औषधि गुणों के बारे में हम बताते रहते हैं, हर एक पौधे के बारे में कुछ ना कुछ औषधि गुण बताते हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं एक ऐसा एक पौधा आपके सामने जो वीडियो में देख रहे हैं ना, यह पौधा आपने अक्सर देखा होगा गाँव घर के खेत खलिहान में, यह अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का साग है। जी हाँ दोस्तों, साग जैसे कि भाजी बना के खाते हैं, आज भी गांव घर में इसका प्रयोग किया जाता है भाजी के रूप में। तो दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए। दोस्तों, यह पौधा जो होता है ना, झाड़ी नुमा होता है और यह कम से कम 1-2 फीट तक लंबे हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके पत्ते को देख लीजिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी इसकी पहचान है इसका फूल। जी हाँ दोस्तों, लंबे लंबे देख लीजिए, इसने बहुत ही सुंदर फूल इसके होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। तो दोस्तों, यह अक्सर आपको पूरे भारतवर्ष में खेत खलिहान में या अक्सर बरसात के मौसम में यह उगने वाला पौधा है, आप देख लीजिए। अब बहुत सारे गांव घर में इसका प्रयोग साग के रूप में किया जाता है। दोस्तों, साग के साथ प्रयोग होते ही इसमें औषधि गुण भी बहुत होते हैं, जो कि आप इसका प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पौधे के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए, इसके फूल देख लीजिए, इस तरह से इसके फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और दोस्तों, इसको फूल देख करके आप पहचान जाएंगे। तो दोस्तों, इसके पत्ते भी देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पहचान गए होंगे। इस पौधे का नाम है कोटिंजर। जी हाँ दोस्तों, कोटिंजर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहीं कहीं इसे लहसुआ के नाम से भी जाने जाते हैं, कहीं कहीं झुनझुना के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से ये पौधे जाने जाते होंगे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस पौधे के औषधि गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इस पौधे को जैसे कोटिंजर, कोरिंजर, मंजरी के कई नाम हैं जो नाम से जाने जाते हैं, और हिंदी में इसे लेसुआ और पंजाबी में लेसवा, मराठी में गीतवाना, और दोस्तों इसका बोटनिकल नाम डाइजीरा मेरिकेटा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर देना, एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा मनोबल बढ़ जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसके विस्तार से जान लेते हैं, कौन कौन से बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कटुंजर जो होते हैं ना, ये आयुर्वेद के मत के अनुसार लघु, कषाय, थोड़ा रूखा टाइप से होता है। यह कफ, सामक, वात, यह और रुचि को बढ़ाता है। यह उद्दीपन होता है और पचने में यह थोड़ा भारी होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों, इसका भाजी बना के खाया जाता है गांव घर में। तो दोस्तों, इसके जो भाजी बनाया जाता है ना, यह जैसे कि चौलाई का आप भाजी बना के खाते हैं, उसी तरह इसका भी प्रयोग होता है। और दोस्तों, देखने में दोनों करीब करीब सेम ही होता है, बस आप इसके फूल से ही पहचान सकते हैं। इसका फूल देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और गुलाबी कलर का होता है। खेत में अगर लगा हो, रोड के किनारे हो, तो आप दूर से ही इसको पौधे को पहचान लेंगे। और इसका दोस्तों, आप भाजी बना के अगर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, ये बवासीर में बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए अगर आपको इसको भाजी बनाकर ही प्रयोग करते हैं तो आपके बवासीर में बहुत बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये बरसात के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में खेत में होता है, फसल के साथ उगाता है। बहुत सारे किसान तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं और बहुत सारे इसका साग भी लोग खाते हैं। अगर दोस्तों, अगर सीजन में, जैसे इसका 2 महीने के सीजन होता है बरसात के बाद, तो दोस्तों अगर उसी सीजन में आप इसका जो साग कंटिन्यू 2 महीना खा लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके खून, शरीर में जो खून की कमी है ना, वो कमी पूरा हो जाता है। और किसी भी प्रकार का आपको शरीर में खून की कमी हो, गंदगी हो, वो सारी ये सही करता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। तो दोस्तों, इसका साग आप एक सीजन है अभी खा सकते हैं, और साग बहुत अच्छा टेस्टी लगता है दोस्तों, आप खा कर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन साग होता है ये। तो दोस्तों,
दोस्तों इसका एक और प्रयोग है, आप भाजी बना के खा सकते हैं या फिर इसके तने, तना और इसका जो पत्ते होते हैं ना, ले आइए। तना भी सॉफ्ट होता है दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। तो आप इसको ले आइए और इसका काढ़ा बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों। काढ़ा बनाकर सेवन करेंगे, आपके शरीर में जो खून की कमी है उसको यह पूरा करता है, साथ साथ बवासीर जैसी समस्या है तो उसको भी यह सही करता है। के साथ साथ दोस्तों आपके जो लीवर में कोई समस्या है तो आप इसका साग बना के खाते हैं ना, तो आप इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी पेट को साफ रखता है, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या या किसी प्रकार का खट्टी खट्टी जैसे डकार डकारें आते हैं उसको यह दूर करता है। साथ साथ आपकी खून की जो कमी है ना उसका यह सही करता है, बवासीर सही करता है। दोस्तों अगर किसी को मूत्र संबंधी विकार है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को के लिए है बता रहे हैं दोस्तों। अगर मूत्र समय में जैसे कि कभी कभी रुक रुक का मूत्र पेशाब आता है या फिर जलन होता है या फिर दर्द हो जाता है या सूजन हो जाता है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए आप इसके जो फूल देख रहे हैं ना, इसमें बीज होते हैं, आप इसको ले आइए और इसका आप काढ़ा बना करके, अगर इस तरह से इसके फूल देख लीजिए, ये इसमें जो छोटे छोटे दाने हैं ना, ये बीज हैं, तो आप इसको ले आइए और इसका पीस करके, इसका क्वाथ बना करके या फिर काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों पेशाब संबंधी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको पेशाब संबंधी दिक्कत हो रहा है ना, उससे छुटकारा दिलाने में बहुत बेहतरीन काम करता है। यहाँ तक दोस्तों यह पथरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पथरी के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे आपका बॉडी में किसी भी जगह पथरी हो, पथरी को गला करके ये पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पंचांग मतलब आप समझ रही हैं, पूरे जर के साथ इसको उखाड़ के ले आएँ और इसको अच्छी तरह से धूल करके छोटे छोटे टुकड़े करके हल्का इसको कूट लें। इसके बाद आप इसका काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो उससे आपको पथरी की समस्या है ना उसको दूर करता है, या फिर इसका क्वाथ बना करके इसका रस निकाल करके आप सेवन करें, आपकी दोस्तों शरीर में अगर पथरी है ना उसको गला करके पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। तो दोस्तों यह पथरी के लिए भी बहुत बेहतरीन है। दोस्तों यह डायबिटीज़ टाइप वाले के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मधुमेह की समस्या हो जाता है ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये खून को साफ करता है, खून में जो कमी होता है उसको पूरा करता है, तो दोस्तों वैसे ही आप इसके पंचांग को ले आएँ और इसको क्वाथ बना करके अगर आप सेवन करते हैं, दिन में दो बार सेवन करें दोस्तों, आपके जो खून में विकार हो जाता है, जो कि खून मीठा हो जाता है, खून में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको यह दूर करता है और आपको मधुमेह जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों यह रक्त संबंधी सारी समस्याओं को दूर करता है, जैसे खून में गंदगी हो गया है उसको साफ करता है, खून की कमी हो गया है उसको पूरा करता है, या खून में कोई तरह की विटामिन्स कमी हो जाता है ना, जिसकी वजह से खून में गंदगी हो जाता है, उसको साफ करने के लिए और उसको और खून बढ़ाने के लिए यह एक तरह से मशीन है। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, खून की कमी को दूर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन औषधि है। आप इसको या तो भाजी के रूप में इसका प्रयोग कर लें, या कच्चे इसका क्वाथ बनाकर पी लें, या फिर इसका काढ़ा बनाकर पी लें। तीन तरह से इसको, तीन चार तरह से आपको इसका सेवन करना है दोस्तों, बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको कोटेंजर का फ़ायदे के बारे में, जिसे कि आप इसे अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम और भी व्यूअर को बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जैसे कि आपके मेरा मनोबल बढ़ने की वजह से आप लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ, तब तक लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।